नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हापुड़ में पूर्व पीएम चौधरी चरण की मनाई गई जयंती, स्वर्गीय चौधरी चरण की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण, बीजेपी नेताओं ने स्वर्गीय पीएम को किया याद। इंदौर की बहू ने लहराया जीत का परचम, जयपुर में दीप्ति केतन ने कई अवार्ड किए अपने नाम, दीप्ति ने इंदौर का नाम किया रोशन। और धार में एबीवीपी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, सीएम सहित उच्च शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, छात्रों की परेशानियों के जल्द निराकरण की मांग। यूपी के हापुड़ में देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण की जयंती मनाई गई है। यहां हापुड़ के नूरपुर गांव में उनकी जन्मस्थली पर माल्यार्पण किया गया और उन्हें याद किया गया। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने नूरपुर गांव पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों के लिए काम किया और आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनता और किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, आज ग्राम प्रधानों के साथ हमारे प्रमुख जी ने अपने घर पर भोजन रखा था, तेवतिया जी ने, और ये अच्छी बात है। प्रधानों के साथ मिलना जुलना, गाँव की स्थिति क्या है पता चलता है, गाँव का वातावरण कैसा ऐसा है। तो मैं पूछा प्रधानों से, हम कहीं आदरणीय मोदी जी योगी जी के बारे में क्या गाँव को, बोले उनके लोकप्रियता में, गांव के सेवा के बारे में कोई कमी नहीं है और हम सब बीजेपी के साथ हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवा को लेकर राज्य सरकार के लाखों दावे हैं, लेकिन धरातल पर उनकी तस्वीरें कुछ और ही बयां हो रही है। ताजा मामला दिनेशपुर के एक सरकारी अस्पताल का है, जहां इलाज करने वाला कोई नहीं है। दरअसल एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ती है, जिससे उसकी हालत गंभीर हो जाती है। इस दौरान युवक के परिजन उसे तत्काल सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर को कई बार फोन करने के बावजूद वे लोग वहां नहीं पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर के घर जाकर भी उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन वे बाहर नहीं आते हैं। इसके चलते युवक की मौत हो जाती है। ऐसे में मृतक के परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसके चलते देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कोई एक्शन लेते हैं या फिर कार्यवाही का आश्वासन देकर जनता को लॉलीपॉप दे दिया जाता है। ज्यादा लापरवाही है, ऐसा डॉक्टर को तो निकाल देना चाहिए हॉस्पिटल से। डॉक्टर ऐसे डॉक्टर को क्या फायदा, खाली डॉक्टर तो लोग कहते हैं डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, और उसी डॉक्टर ने अगर लापरवाह करके अगर मरीज का जान जाए तो क्या फायदा फिर ऐसे डॉक्टर होना, ना बराबर है। मैं सुबह लेके गया था ना हॉस्पिटल में, 7 बजे से पहले लेके गया था, वहाँ मिली नर्स मिली तो उनने तो कहा था डॉक्टर साहब को मैं देखता हूँ, फ़ोन करता हूँ, रवि सरकार भी मेरे साथ थे, वो उनके मोबाइल से उनके नंबर से फ़ोन किया गया, डॉक्टर निकला ही नहीं सुबह। फिर मैं वहाँ से दूसरे डॉक्टर के पास चला गया, वो उन्होंने कहा बड़े हॉस्पिटल में जाओ, यहाँ तो फिर डॉक्टर के बिना 108 एम्बुलेंस भी नहीं आते। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर वो डॉक्टर निकले ही नहीं। करते हैं ऐसे डॉक्टर की यहाँ क्या जरूरत है, अगर पब्लिक ऐसे मरने लगे तो फिर अच्छा खासा। मेरा 32 साल का लड़का सुबह लेके गया, कोई तबीयत खराब हुआ, डॉक्टर काम नहीं आया, तो ऐसे डॉक्टर का यहाँ क्या काम। मैं वार्ड का सभासद प्रतिनिधि हूँ। मेरे वार्ड की एक बच्ची की तबीयत खराब थी, तो वो 2 घंटे से वहाँ पड़ी हुई है, उसको देखने नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरा आपसी झगड़ा भी हो चुका है डॉक्टर के साथ, और आए दिन मेरे को लोगों की शिकायतें मिली। आज मेरा एक मित्र है जिसकी मौत हुई है, सुबह सुबह हमारे बड़े भाई ने बताया कि लेके पहुँचे, वो डॉक्टर निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे डॉक्टर की हमें कोई जरूरत नहीं है, और ऐसे अस्पताल की हमें जरूरत नहीं है, हम इसका बहिष्कार करेंगे। कल सारे युवा लोग इकट्ठे होकर धरना देंगे और इसके खिलाफ मैंने प्रशासन या शासन के पास जाएंगे। हाल ही में जयपुर की मेरियट होटल में फॉरएवर स्टार इंडिया अवार्ड समारोह हुआ। इस अवार्ड फंक्शन में इंदौर की बहू ने अपना और अपने इंदौर का नाम रोशन किया है। दरअसल मिसेस दीप्ति केतन लोट ने इंदौर को रिप्रेजेंट करते हुए मिसेस इंदौर, मिसेस स्टेट विनर और मिसेस इंडिया फेस ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है। इस कार्यक्रम के बाद दीप्ति केतन लोट ने इंदौर के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनका सपना है कि वे आगे चलकर एक बड़ी मॉडल
और फिल्म अभिनेत्री के रूप में अपना और अपने इंदौर का नाम रोशन करें। मैंने फॉरएवर स्टार इंडिया अवार्ड्स में पार्टिसिपेट करा था एंड माय जर्नी वाज वेरी गुड एंड आई फील वेरी हैप्पी टू विन दिस अवार्ड एज अ सिटी विनर, एज अ स्टेट विनर एंड एज अ इन नेशनल लेवल फेस ऑफ द ईयर 2021। क्या इसके पहले भी आपने पार्टिसिपेशन किया है? शुरू से क्या आपकी इच्छा थी मॉडलिंग करना या फिर क्या था ओवरऑल? यस, बेसिकली मेरी शुरू से इच्छा थी और मेरा इंटरेस्ट भी था मॉडलिंग में, बट बिकॉज ऑफ नो सपोर्ट, मेरे फादर को ओनली स्टडीज पसंद थी, दैट्स वाई। बट आफ्टर मैरिज माई एन लॉ सपोर्टेड मी टू कम्प्लीटेड माई ड्रीम्स, तो इसके लिए मैंने ये मॉडलिंग स्टार्ट कर दी है एंड अचीवमेंट्स भी मिला है एंड आई हैड कम्प्लीटेड माई टू पेजेंट्स ऑल्सो, इन वन इन इंदौर स्टार फेस एंड वन इन लखनऊ ड्रीम प्रोडक्शन हाउस। इन दैट ऑल्सो मैं टाइटल होल्डर बनी थी वहाँ पर लखनऊ में फोटोजेनिक फेस में। विगत दिन धार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ एबीवीपी के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की है और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सहित उच्च शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। एबीवीपी के सदस्यों की माने तो उन्हें 2019 और 20 की छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है और ना ही उन्हें छात्र आवास योजना का लाभ मिला है। इसके साथ ही पढ़ाई के लिए महाविद्यालयों में आवश्यक पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते पढ़ाई में दिक्कतें हो रही है। एबीवीपी की माने तो छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, ऐसे में जल्द ही कुछ निराकरण निकाला जाए। 2019 और 20 से हमारे भाई और बहनों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। उसके साथ ही साथ बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके महाविद्यालय बस स्टॉप से दूर है, बस स्टॉप से दूर ही होने के कारण बस वाले उन्हें विद्यालय तक नहीं लाते। खासकर हमारी छात्रा बहनें जो पैदल चलकर आती है वो असुरक्षित महसूस करती है और बस वाले हमारी बहनों के साथ अभद्र भाषा का व्यवहार करते हैं। इसके पूर्व में भी हमने इस बात के लिए कलेक्टर SDM महोदय को बता दिया था। उसके साथ ही साथ बहुत सारे महाविद्यालयों में ड्रेस कोड नहीं है, ड्रेस कोड नहीं होने के कारण बच्चे कोई भी असामाजिक तत्व का कॉलेज में आकर भ्रमण कर चल जाता है, तो इससे कॉलेज का अनुशासन तो भंग हो ही रहा है, साथ में छात्राएं और छात्र भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।